हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश कटारे। आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में जो मेजर टॉपिक, जो यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है बजट। बजट से जुड़े हुए क्वेश्चन, बजट की हिस्ट्री, बजट का वो पार्ट जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ बजट का वह पार्ट जिसका बेसिक संबंध इकोनॉमिक्स है, उसको हम बिल्कुल इजीली और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये लेक्चर दो या तीन पार्ट में डिवाइड रहेगा, तो आज इसका पहला सीरीज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बजट का बैकग्राउंड। तो बजट जो शब्द है इसको पहले कहते थे बूजे, राइट? बूजे यानी कि ये फ्रेंच भाषा से निकल के आया, वहां इसे बूजे या बूजेट नाम से बुलाया जाता था। लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किया था वो किया था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट वॉलपोल। ये जो रॉबर्ट वॉलपोल थे, तो ब्रिटेन में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, तो इनके द्वारा अपनी पार्लियामेंट में सरकार की योजनाओं को प्रस्तुत किया गया बजट के रूप में। तो एक लेदर बैग था, चमड़े के बैग में से वो पेपर रख कर ले जाते हैं और उन पेपरों को निकाल करके वहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसा आप सब जानते हो कि बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, कुछ पॉलिसीज रहती हैं, वैसे ही सर रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा ये काम किया गया। तो उनकी पार्लियामेंट में जो विपक्ष था उसने इनके ऊपर कमेंट किए और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनी द ओपनिंग बजट। द ओपनिंग बजट के नाम से ये हेडलाइन क्या बनती है, यानी बजट के ऊपर एक प्रकार से कमेंट किया गया, राइट? तो बजट वर्ड नहीं था, बजट न्यूज़पेपर और अपोजिशन वालों ने एक आम बोलचाल में शब्द को लेकर आ जाते हैं कमेंट ये किया गया था कि जादू का पिटारा खोला गया। वो लेदर बैग में ऐसे पेपर निकाल के उसमें से जो अनाउंसमेंट थे वो उनको पढ़ते जाते थे, तो अपोजिशन ने और न्यूज़पेपर ने ये हाईलाइट कर दिया। तो फिर ये बूजे वर्ड जो फ्रेंच भाषा का था बजट के रूप में पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो जाता है, ईयर 1733, राइट? इसके बाद अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने भारत के संबंध में देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इस समय वायसराय थे यहाँ पर कैनिंग। और कैनिंग, आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर याद होगा कि वायसराय या गवर्नर जनरल जो होते थे तो उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनती है, जिसे इनकी कार्यकारिणी या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। वैसे ही वायसराय ने ब्रिटेन से जेम्स विल्सन नामक एक व्यक्ति को भारत बुलाया और उनको कहा कि ब्रिटेन में जो बजट सिस्टम है वो चलता रहता है, कुछ वैसा ही फॉर्मूला भारत में लेकर आओ। तो 18 फरवरी 1860 इस समय जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत के लिए बजट को प्रस्तुत किया। ये जो भारत है ये कौन सा भारत है, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आते थे, राइट? तो बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 7 अप्रैल 1860 फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, राइट? और उसके बाद ये फेब 18 1869 की बात जो आती है, तो मिस्टर विल्सन वाज द फाइनेंस मेंबर ऑफ द इंडियन काउंसिल दैट एडवाइज द इंडियन वॉइसराय। और ये जो मिस्टर विल्सन थे ये बिजनेसमैन भी थे, ये बैंकर भी थे, ये इकोनॉमिस्ट भी थे, ये लिबरल पॉलिटिशियंस भी थे। तो ये भारत का एक पुराना बैकग्राउंड हो जाता है, राइट? इसके बाद हम और आगे जाके देखें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे? देखें कि ये जो जेम्स विल्सन थे, इन्होंने तो पहला बजट रख दिया ब्रिटिश इंडिया का 18 फेब 1860 में, लेकिन आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो पहला बजट आया होगा, जिसे हम इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट कहेंगे, वो बजट किसने रखा था? तो हु वाज द मेंबर और हु वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट बजट आफ्टर फ्रीडम? तो वो जो महोदय थे उनका नाम है
सर आर के षणमुखम शेट्टी। ये जो आर के षणमुखम शेट्टी जी थे, इनके द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट रखा गया। डेट है उसकी 26 नवंबर 1947। अब ये तो हो गया फ्रीडम। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जब एग्जीक्यूट हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है, तो हम उस समय से क्या हो गए? रिपब्लिक, गणतंत्र हो गए। तो गणतंत्र भारत का जो बजट था वो किसने रखा? तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो रखते हैं मिस्टर जॉन मथाई। ईयर 1950 और 51 के लिए ये रखते हैं। गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो चुनाव से आता है, निर्वाचन से आता है। ऐसे देश को हम गणतंत्र या रिपब्लिक कहते हैं। क्लियर? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जो बजट है ट्रेडिशनली यानी अंग्रेजों के समय ये बजट की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। तो अंग्रेज जो हमारे देश में बजट प्रस्तुत करते थे, इंट्रोड्यूस करते थे, उसकी टाइमिंग थी इवनिंग 5, शाम को 5 बजे रखते थे। और दो प्रकार के बजट आते थे ट्रेडिशनली, यानी इनके जो शाम के 5 बजे का पैटर्न, इसे हम फॉलो करते रहे कब तक? ईयर 1999 तक, जब एनडीए बना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर यशवंत सिन्हा, जो आज बीजेपी के अगेंस्ट की ये परंपरा थी ये भारत से समाप्त हो गई। और उसका टाइम क्या कर दिया जाता है? सुबह के 11 बजे। एक ये चेंज आया। दूसरा चेंज एक और आया है रिसेंटली, कि 1924 में जो बजट था वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक्ट वर्थ कमेटी एक बनाई गई थी, रेलवे बजट उसके लिए अलग और ऑर्डनरी बजट अलग, जो कि 2017-18 में ये भी एबॉलिश कर दिया। अब हम देखते हैं बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक प्रावधान सबसे पहले, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कंप्लीट होंगे देन फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, कि बजट को कैसे कैपिटल में और कैसे उसको रेवेन्यू में डिवाइड करते हैं, कहाँ पर कैसे करके इसके बजट के घाटे होते हैं। संविधान में आर्टिकल 112 112 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद में बजट प्रस्तुत करवाएगा, यानी ये प्रेसिडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भारत का बजट संसद में रखवाए। बट बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, वहां है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बजट के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट खुद नहीं रखेगा, रखवाएगा, इट मींस कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी बजट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। करेक्ट हुआ यहाँ पर? अब परंपरा के रूप में जो बजट था वो रखा जाता था फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर, यानी लास्ट वर्किंग डे ऑन फेब, इट मीन्स फरवरी 28 या 29 की होती है। अगर उस दिन कोई हॉलीडे नहीं है तो उसी दिन आएगा, अगर कोई हॉलीडे आता है तो उसके एक दिन पहले। लेकिन ये ट्रेडिशन फिर चेंज कर दिया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। अब जो ऑर्डनरी बजट होता है वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में नहीं, फर्स्ट ऑफ फेब को स्टार्ट किया जाता है। राइट? पहले ये जो बजट का डिवीजन था वो मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये डिवीजन एबोलिश कर दिया, यानी ऐसा कोई विभाजन नहीं होगा, अब एक ही बजट होगा, उसमें रेलवे के लिए भी और दूसरे सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ये सारी चीजें रहेंगी। बजट रखा तो फरवरी में जाएगा, लेकिन पूरे देश को चलाने वाला जो बजट है उसकी तैयारी काफी पहले से स्टार्ट हो जाती है, लगभग ऑलमोस्ट 6 मंथ बिफोर। और इस बजट की तैयारी करता है भारत का वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बजट डिवीजन है उसके द्वारा इसकी तैयारी की जाती है, और इस तैयारी में सारे मिनिस्ट्रियों का सहयोग रहता है। अब फेब से 6 मंथ बैक में चलते हैं, कैसे ये तैयारी करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। तो भारत का सीएजी यानी आप जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं, कैग जिसे बोलते हैं, उसने एक प्रोफार्मा बना रखा है कुछ इस प्रकार का, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक ये ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट
को फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, भारत के सारे मिनिस्ट्री को सर्कुलेट करती है और इस ड्राफ्ट में सारी जानकारी वो मंगवाती है, राइट। इस ड्राफ्ट में क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। इस ड्राफ्ट में 3 वर्ष के डाटा होंगे। जैसे इसमें अब हम बात करें अपने समझने के लिए कि ये जो बजट है वो नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी 2019-20 के लिए जो बजट बनेगा वो 2019 के फरवरी में संसद में रखेंगे, तो इस ईयर को बोलते हैं बजटीय ईयर, राइट। अभी जो ईयर चल रहा है यानी सितंबर अक्टूबर से बजट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसे बोलते हैं करेंट ईयर या चालू वर्ष। इस फॉर्म में ये 3 ईयर रहते हैं और इन्हीं 3 वर्ष के आंकड़ों की जानकारी सारी डिपार्टमेंट से फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगता है। अब क्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इन्होंने ये प्रोफार्मा ये ड्राफ्ट किसको भेज दिया, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री को भेज दिया, परिवहन मंत्रालय को। अब परिवहन मंत्रालय रोड बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि उसको सड़क बनाने के लिए अगले साल में बजट में पैसा चाहिए, तो यहाँ पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है मेजर हेड एंड माइनर हेड एंड सब हेड ऑफ अप्रोप्रिएशन, यानी मुख्य शीर्ष, गौर शीर्ष और अन्य प्रकार के जो विनियोजन रहते हैं वो। यानी ये ऐसा समझ लो कि आपको इसमें लिखना है कि आप पैसा किस चीज के लिए मांग रहे हो। तो यहाँ ये सड़क बनाने के लिए मांग रहे थे, यहाँ पर रोड मेंशन कर दिया, राइट। रोड की रिपेयर के लिए होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनर हेड हो जाएगा, ओके। देन अगले कॉलम में चलते हैं, यहाँ पर लिखा है एक्चुअल्स फॉर लास्ट ईयर, यानी जो वह वर्ष जो गुजर चुका है, यानी बजट कौन सा ईयर के लिए बनेगा, 1920 के लिए, तो पास्ट ईयर कौन सा हो जाएगा, ईयर 1718। अब यहाँ आपको भरना पड़ेगा, मतलब यहाँ उस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कितना फंड मिला था बजट में रोड बनाने के लिए, उन्होंने लिख दिया 500 करोड़, राइट। अब आते हैं करंट ईयर, यानी जो ये वर्ष सितंबर अक्टूबर में बजट बनाया जाएगा, इट मींस ये वाला बजट पार्लियामेंट से पास हो चुका है, इसको करंट ईयर बोलेंगे। तो करंट ईयर में रोड बनाने के लिए कितना फंड अप्रूव किया गया, 700 करोड़। नेक्स्ट, अब ये तो कब अप्रूव किया गया था, 1 फेब 2018 को, है ना, बजट बना रहे हैं आप कब, सेप्टेम्बर अक्टूबर में, तो कुछ चेंज तो नहीं हुआ इसमें, 700 से कुछ बढ़ा माइनस हुआ, तो उसको रिवाइज्ड एस्टिमेट के रूप में जानते हैं, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर करेंट ईयर। और उसके बाद बजटीय ईयर आ जाता है, बजट एस्टिमेट्स, यानी इस वर्ष कितना चाहिए, इन्होंने लिख दिया 1000 करोड़। तो अगला वाला कॉलम है उसमें बताना पड़ेगा कि इतना अमाउंट क्यों बढ़ा, कमी हुई तो क्यों हुई और ये पैसा आएगा कहाँ से। इस प्रकार से इस प्रोफार्मा के अंतर्गत सारी मिनिस्ट्री को ये जानकारी सबमिट करनी पड़ती है और वो जानकारी ये अपने सारे ऑफिस से कलेक्ट करके फिर किसको भेज देते हैं, वित्त मंत्रालय को। तो अब वित्त मंत्रालय को ये पता चल गया कि अगले आने वाले वर्ष में उनको कितना पैसा चाहिए अलग अलग मंत्रालयों को देने के लिए, राइट। तो वित्त मंत्रालय उन सब चीजों को इकट्ठा करता है, उनका टोटल करता है और जो भी उनको माथा पच्ची करनी है कैलकुलेशन कर करा के सॉर्ट आउट किया। देन अब वित्त मंत्रालय ये सर्च करेगा कि ये पैसा आएगा कहाँ से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्स ऑफ इनकम, एक तो टैक्सेस, करों से जो वसूली करते हैं, दूसरा इसके अलावा लोन, या तो लोन इन्होंने लेना है या कहीं इन्होंने लोन दे रखा है तो उसकी रिकवरी करनी है, तो उन बॉडीज से जाके पूछ लेते हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से पूछेंगे कि आप नेक्स्ट ईयर में कितना पैसा दे रहे हो, राइट। तो ऐसे करके ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है और उसके बाद फिर बजट की प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। बजट एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, गोपनीय दस्तावेज है। गोपनीय दस्तावेज है इसलिए जब तक कि ये संसद में नहीं रखा जाएगा इसकी जानकारी बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए जब बजट के प्रिंटिंग होती है तो जो भी ऑफिसर्स इस काम में इन्वॉल्व रहेंगे वो अब घर नहीं जा सकते। एक हलुआ सेरेमनी होती है, हलुआ बनता है, सबको खिलाया जाएगा और वो फिर वहीं मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीट में रहेंगे जब तक कि बजट पूरा प्रिंट होकर के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाएगा। अब बजट तैयार हो गया, उसके बाद इसको जनरली वित्त मंत्री सबसे पहले संसद में कौन से हाउस में, लोकसभा में रखेगा, वहां उनकी एक स्पीच रहती है और उस स्पीच के बाद फिर उसकी कॉपी सेकेंड हाउस यानी राज्यसभा में सबमिट कर दी जाती है।
ये काम होने के बाद जनरली 2-3 दिन का एक जनरल सा डिस्कशन चलता है, एक ओवरव्यू लेकर के, और उस ओवरव्यू के बाद फिर क्या किया जाता है, इस लोकसभा की कार्यवाही को 2 से 3 सप्ताह के लिए रोक देते हैं। पहले क्या था कि रेलवे बजट अलग था, ऑर्डनरी बजट अलग था, तो पहले रेल बजट आता था लास्ट वीक ऑफ फेब में, देन उसके बाद ऑर्डनरी बजट आता था। तो ये सिस्टम जो है ये अब पुराना हो गया, राइट। अब ऑर्डनरी बजट और रेल बजट एक ही है। इसके बाद अब क्या हुआ कि जनरल डिस्कशन हो जाता है, जनरल डिस्कशन के बाद संसद की कार्यवाही 2 से 3 सप्ताह के लिए रोक दी जाती है, और इन 2 से 3 सप्ताह के बीच में क्या होगा, पार्लियामेंट की यानी संसद की 24 कमेटीज बनी हुई है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विभागीय समितियां या स्टैंडिंग कमेटीज, डिपार्टमेंटल कमेटीज। ये क्या करती हैं, ये बजट में जो आप पैसा मांग रहे थे अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे 1000 करोड़ मांगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वास्तव में ये पैसा उपलब्ध था या नहीं, या ये जो पैसा मांग रहे हैं वास्तव में उसकी जरूरत भी है कि नहीं, रोड जहां बनाएंगे वहां लोगों को फायदा होगा कि नहीं, इस प्रकार से ये कमेटी जांच करती है। ये सारी जो कमेटीज हैं इनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होंगे, और यहाँ ये अपनी पार्टी से ऊपर उठकर यानी एक न्यूट्रल निष्पक्ष होकर के काम करता है। इन्होंने जांच की, जांच होने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं स्पीकर को, देन अब क्या होगा, अब फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी, और अब जो मीटिंग बुलाई जाएगी पार्लियामेंट की, ये जो कमेटी जांच करते हैं, और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज पैसा मांग रहे थे, तो पैसा मांग रहे थे उसको कहते हैं डिमांड यानी मांग, और पूरा नाम होता है ग्रांट्स फॉर डिमांड यानी अनुदान की मांग, रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, या कह सकते हैं डैम बनाने के लिए, नई कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, ऐसे अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर आएंगे, खर्च होंगे। इन सारे खर्चों को 109 हेडिंग्स के अंतर्गत ही लिखा जाएगा, और ये 109 हेडिंग ही क्या हो कहलाएंगी, इनको डिमांड कहते हैं। इसमें इंक्लूडेड होती हैं 6 डिमांड किसकी, डिफेंस मिनिस्ट्री की, यानी रक्षा विभाग चाहे हथियारों को खरीदे, चाहे वो डीआरडीओ पर खर्च करे, उसके सारे खर्चे 6 हेडिंगों के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें 6 डिमांड बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो पूरी मिनिस्ट्री है वो किस में आएगा, 103। अभी तक क्या होता था कि रेल बजट अलग आता था तो उसमें 35 डिमांड रहती थी, अब इसी में आने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली 109 + 35 यानी 141 डिमांड्स होंगी, राइट। अब ये जो डिमांड्स हैं इन पर क्या किया जाएगा, इन पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी, क्योंकि बजट यानी भारत सरकार का जो पैसा है वो कहाँ रहता है, वो रहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का एक खजाना, जिसे संचित निधि के नाम से जानते हैं। उसमें से अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का अप्रूवल मस्ट है, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं निकल सकता, और बजट तो पूरा का पूरा फंड से जुड़ा है, पैसा ही तो निकाला जाएगा। तो इन सारी डिमांड पर वोटिंग करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए जो टाइम लिमिट फिक्स है वो है 26 डेज, राइट। 26 दिन में इन पर बहस हो जाए, बहस के बाद हर डिमांड पर अलग से वोटिंग होगी, एक साथ वोटिंग नहीं होगी। जैसे ही वोटिंग हो जाती है, वोटिंग के बाद ये अप्रूवल मिल जाएगा, पार्लियामेंट बोल देगी ठीक है, हम आपने 1000 करोड़ मांगा, ओके आई विल गिव। तो ये जो डिमांड थी अब इनको हम नाम देंगे ग्रांट्स यानी अनुदान हो गया, मांग से अब ये क्या हो गया, अनुदान हो गया। मगर अभी पैसा नहीं मिला है, पैसा कब मिलेगा, तो पैसा तब मिलेगा जब विनियोग विधेयक पास हो जाता है। लेकिन ये अनुदान की मांगें जो थी इतनी आसानी से पास हो जाने देगा कि अपोजिशन अपोजिशन कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो अपोजिशन क्या कर सकता है, विपक्ष क्या कर सकता है इन अनुदान की मांगों में, विपक्ष के द्वारा कट मोशंस लाए जाते हैं, कट मोशंस यानी कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं, और ये कट मोशंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉलिसी कट मोशन, दूसरा होता है इकोनॉमी कट मोशन, और तीसरा होता है टोकन कट मोशन या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ये जो प्रस्ताव रहते हैं इनका क्या मीनिंग रहेगा वो समझ लें, कि डिमांड की गई थी ना, पैसा मांग रहे,
पैसा मांग रहे हैं, जैसे 1000 करोड़ फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अब विपक्ष कहता है कि हम आपकी इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते, यानी हमें आपका ये रोड बनाने वाला प्रस्ताव पसंद नहीं आया, और आप कितना मांग रहे हैं, 1000 करोड़। तब वो क्या करेंगे इस प्रपोजल के द्वारा, पॉलिसी कट मोशन या नीतिगत कटौती प्रस्ताव के द्वारा, ये जो 1000 करोड़ था इसको घटाकर कितना रुपया सेंक्शन करेंगे, ओनली 1 रुपीज। इसे कहते हैं पॉलिसी कट मोशन, यानी पूरी की पूरी पॉलिसी के अगेंस्ट में आएगा, राइट। दूसरी तरफ आता है इकोनॉमी कट मोशन, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ये कहा जाएगा कि अभी पैसा हमारे पास इतना नहीं है कि आपको हम 1000 करोड़ दे दें, इसमें एक सर्टेन अमाउंट की कमी कर ली जाएगी। वो कुछ अमाउंट कितना होगा, 10 करोड़, 20 करोड़, यानी जितना वो पार्लियामेंट चाहेगी उतने की कमी की जाएगी। इसे कहते हैं इकोनॉमी कट मोशन। एंड थर्ड वन है टोकन कट मोशन या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम विपक्ष में हैं, हम आपका विरोध करते हैं, तो इसमें सिर्फ 100 रुपए की कमी की जाती है, ओनली रिडक्शन ऑफ 100 रुपीज। अब 1000 करोड़ में से 100 रुपए निकाल लो तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी एक समुद्र में से 2-4 बाल्टी अब भर भी ले जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी सूरत पर। बट ये एक प्रकार से संकेत तो मिलता है कि हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ। ये तीनों कट मोशन अपोजिशन लाता है। ये तीनों कट मोशन में से कोई भी कट मोशन पास हो जाए, यानी प्रस्ताव पास हो जाए, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। ये प्रूव्ड हो जाता है कि सरकार कैसी हो गई है, अल्पमत में आ गई है, इसलिए ये कट प्रस्ताव कभी पास नहीं होते हैं, राइट। इसलिए इनको सिर्फ याद रखना है, बस और कुछ नहीं। अब 26 डेज का जो समय मिला, ये समय ऐसे ही गुजर जाता है। आज की कंडीशन में आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है, वॉकआउट करते हैं, हंगामा हो जाता है, तो 26 दिन पूरे हो गए, किसी भी डिमांड पर डिस्कशन नहीं हुआ, ना वोटिंग हुई, देन क्या किया जाता है, लास्ट डे 26वें दिन सारी डिमांड, यानी 109 डिमांड थी ना, उन सबको एक साथ रख के उन पर वोटिंग करा ली जाती है। इसे कहते हैं गिलोटिन। गिलोटिन या जिलोटिन का मतलब क्या था, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि व्यक्ति को उसका सर धड़ से अलग कर देते थे, यानी उसे बोलने नहीं दिया गया। वैसे ही संसद में क्या करते हैं कि अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया और सारी की सारी डिमांड को पास करा लिया, तो ये गिलोटिन वर्ड वहां से जुड़ा हुआ है, राइट। अब डिमांड पास हो गई 26 दिन के अंदर, पैसा अभी मिनिस्ट्री को नहीं मिला, यहाँ अलाउ कर दिया कि हम आपको दे देंगे। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को कॉल करा कि हमको इस महीने 10,000 रुपीज चाहिए, ये फीस वो फीस, ये पिक्चर जाना है, वो मूवी देखना है, संजू बाबा वगैरह वगैरह, राइट। अब घर वालों ने बोल दिया ठीक है हम दे देंगे, दे देंगे, दिया नहीं, जब वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें देन फिर आप खर्च कर पाएंगे ना। वैसे ही डिमांड पर वोटिंग होने से फंड नहीं मिला है, सिर्फ अप्रूवल मिला है। वो फंड कब मिलेगा, तो उसके लिए एक विनियोग विधेयक आएगा, आर्टिकल 114 में इसके बारे में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें सारी जो डिमांड्स थी 109, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्री के जो खर्चे थे वो, प्लस इसमें उन खर्चों को भी ऐड किया जाएगा जो भारत के ऊपर चार्ज्ड होते हैं। चार्ज्ड होते हैं यानी भारत व्यय जिन्हें कहा जाता है, तो भारत व्यय, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं से लोन लेता है तो लोन का पेमेंट तो करना पड़ेगा, वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हो गया। प्रेसिडेंट की सैलरी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की सैलरी, ये सब चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हैं, तो उनको और डिमांड्स को दोनों को जोड़कर ये बिल आएगा। अब इस बिल पर वोटिंग कराई जाएगी, जैसे ही बिल ये पास हो जाएगा उसके बाद सारी मिनिस्ट्री पैसा अपना खर्च कर सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आफ्टर पासिंग दिस बिल डिपार्टमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि से यह धनराशि निकाल सकते हैं। ये था एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें इनकम वाला भाग। इनकम वाला पार्ट इसके जस्ट अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट मिलेगा, तो इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन डाउट हैं आप जरूर पूछें, सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर जरूर मिलेंगे। थैंक यू।